गुजरात में सबकी निगाहें हैं पटेलों यानी पाटीदारों पर। बड़ा सवाल है कि पटेल इस बार चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे या कांग्रेस का। आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों ने गुजरात में 2 साल पहले आंदोलन शुरू किया जो काफी हिंसक भी हुआ। इसमें 14 लोगों की मौत हुई। अपने बेटों को आंदोलन में खोने वाले परिवारों की राय पर आज का जनमन विशेष। अहमदाबाद के बापूनगर में रहते हैं नरेश भाई पटेल और उनकी पत्नी प्रभाबेन पटेल। लकवा से पीड़ित नरेश भाई 26 अगस्त 2015 की तारीख याद कर रो पड़ते हैं। 26 अगस्त 2015 को उनका इकलौता बेटा श्वेतांग पटेल दुनिया से चला गया था। गुजरात में पाटीदार आरक्षण के हिंसक आंदोलन में श्वेतांग भी उन 14 लोगों में थे जो हिंसा में मारे गए थे। तब से नरेश भाई और प्रभाबेन एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। अब चुनाव सिर पर है। जिन लोगों ने पाटीदार आरक्षण का झंडा उठाया था वो इन परिवारों को पूछने तक नहीं आते। लड़ाई तो अनामत नीच है, तो कोई कांग्रेस में के कोई भाजपा जवू न जाए तो जा तटस्थ रही अनामत तो जो निर्णय आ सके, नतर एनो निर्णय ना आवी सके। लोग पैसा माटे अत्यारे भाजपा जाए कांग्रेस में जाए, पक्ष पलटो जुदो जुदो थे गयो। प्रभाबेन का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की जान ली, लेकिन अब तक आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई। अपने पिता की तस्वीर के साथ बैठी ये हैं वैदेही और पूजा। 25 अगस्त 2015 का दिन इनके परिवार को जिंदगी भर का सदमा दे गया। इनके पिता निमीश पटेल की पाटीदार आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली लगने से जान चली गई थी। बेटी की मौत के बाद से कांति भाई पटेल भी गुमसुम से रहते हैं। निमीश की बेटी को गम है कि उनके पिता की मौत जाया चली गई, क्योंकि अब पाटीदार एकजुट नहीं है। यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की इसमें शहीदी हुई वो पूरी तरह से व्यर्थ हो चुकी है। वो कोई काम का ही नहीं है कि इतने पाटीदार शहीद हुए हैं, वो किस काम का। वो आज सब याद रखेंगे, फिर कल वो भूल जाएंगे, किस काम का। ये सब राजनीति में सब कुछ गुम हो चुका है। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 2015 में हुई थी। हार्दिक पटेल की अगुवाई में आंदोलन चला था। 2 साल बाद कुछ पाटीदार नेता बीजेपी से जुड़ गए तो हार्दिक पटेल अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। लेकिन पटेलों के आरक्षण पर अब भी असमंजस की स्थिति ही है। गुजरात में 15% के करीब पाटीदार हैं। ऐसे में पाटीदारों को लुभाने के लिए टिकट तो जमकर बांटे गए हैं, लेकिन उन परिवारों की किसी को चिंता नहीं जिनके अपने आरक्षण आंदोलन में चले गए। लेकिन इन परिवारों को दुख इस बात का है कि जो असली मुद्दा था आरक्षण का, वो अपनी राह से भटक कर राजनीति की ओर चल पड़ा है। साथ ही इन परिवारों का ये भी कहना है कि जो कुर्बानियां इन परिवारों ने दी वो व्यर्थ हो गई। कैमरा पर्सन जयराम रबारी के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज अहमदाबाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।